हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली देखिए, आज की जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं काफ़ी मोटिवेशन देगी स्टूडेंट्स को। यहां पर देखिए, स्पष्ट हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल का ही होने वाला है। पूर्व वीडियो में मैंने भी आपको पहले ही इंगित किया था कि आयोग जो सबसे पहला एग्जाम कराएगा वो पुलिस कांस्टेबल का कराएगा, उसके बाद पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड आदि के एग्जाम होंगे। सेम वही शेड्यूल यहाँ पर देखिए आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला होगा। और साथ ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो कल या परसों में UKPSC के द्वारा एग्जाम कैलेंडर आने वाला है उसमें भी आपको यही मिलेगा। पहला जो एग्जाम है प्राथमिकता है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि उसका फिजिकल हो चुका है, प्रारंभिक चरण उसका कंप्लीट हो चुका है, केवल उसमें रिटर्न एग्जाम बाकी है, तो उसको ये पहले करवाएंगे। और वैसे भी पुलिस बल में काफ़ी यहाँ पे कमी है राज्य में, तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक प्राथमिकता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, दूसरा जो एग्जाम होना है आपका, ये आपका पटवारी लेखपाल का होना है, और इसके अलावा तीसरा एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड और चौथा एग्जाम सहायक लेखाकार का होगा, जो कि UKSSSC ने स्वयं निरस्त किया था। इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वजह से आयोग ने स्वयं ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब देखिए, पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है दिसंबर 2022 संभावित तिथि दे रहा है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, आपने देखा होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर आता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि दी जाती है, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्री जो एग्जाम होता है उसकी जो प्रस्तावित तिथि होती है वहीं पर ये एग्जाम करवा देता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने डिले नहीं किया है। तो यानी कि जो आपका कैलेंडर का लिए ऑफिशियली जारी करेगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर अगर वो जो कैलेंडर में प्रस्तावित तिथियाँ देते हैं, आपको उसी तिथि के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और वही तिथि आप मान के चलिए आपका एग्जाम होगा। क्योंकि UKPSC ऑब्जेक्टिव पेपर में अमूमन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो फेरबदल करते हैं, ठीक है। हालांकि मेंस की डेट काफ़ी आगे पीछे होते रहते हैं, उसके कई कारण होते हैं। कई बार प्री का रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, कभी कभी जो हमारा उस पर हमने प्रत्यावेदन लगाए होते हैं उस वजह से डिले हो जाता है, कभी रिजर्वेशन संबंधी डिले हो जाता है। बट प्री का जो टाइम है वो आपका एक निश्चित टाइम रहता है। वैसे ही कैलेंडर जब आएगा ग्रुप सी का, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसी कैलेंडर के हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी होगी। अब देखिए, न्यूज़पेपर में तो ये बोला गया कि जो पहला एग्जाम होगा आपका पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है, और जो हमारे पटवारी लेखपाल है जनवरी 2023 में प्रस्तावित है, वन आरक्षी फरवरी और सहायक लेखाकार मार्च। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, देखिए मैं इसीलिए वीडियो दे रहा हूं क्योंकि न्यूज़ तो सबने दे दी है, कंफर्मेशन ये है मेरा कि दिसंबर लास्ट तक आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। और जो यहां पर इसने टेंटेटिव ये कैलेंडर दिया हुआ है एग्जाम का, इन्हीं तिथियों पर आपके एग्जाम होने हैं, ये आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए, पिछले एक साल से लास्ट एग्जाम बड़ा जो हुआ था VPDO का ही हुआ था, वो आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। पूरा यहाँ पर 2022 भेड़ चल चुका है उत्तराखंड में अनियमितताओं के, माफियाओं के न्यूज़ में, माफियाओं को पकड़ने में, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ में, दो पक्षों में, ये सभी चीज़ें। देखिए, उत्तराखंड का छात्र 2022 का वर्ष कभी नहीं भूलेगा। 2022 का जो साल है ये उत्तराखंड के छात्रों के लिए सबसे बुरा वर्ष मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, और इस समय में भी जो लोग अपने को स्टैंड रख पाए उन सभी को सैल्यूट है। आप लोग देखिए, मोटिवेशन डेडिकेशन एक कहने की बात अलग होती है, सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और इसमें बहुत से छात्रों ने सफलता पाई है, आज भी खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वो स्टडी कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के मैं जुनून को, जज्बातों को मैं यहाँ पर सलाम करूँगा, और आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में ज़रूर होगा जो आने वाले एग्ज़ाम है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप रणभूमि में हमेशा से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होगी, ये मान के चलिए। बाकी देखिए, इसमें ये भी बोला गया, कुछ आप न्यूज़पेपर अदर देखे होंगे आपने, अदर न्यूज़पेपर में ये भी बोला गया कि अब जो है हमारा एग्जाम सेंटर जो होंगे उसके आसपास 200 मीटर तक धारा 144 लगाई जाएगी, यानी कि किसी के भी प्रवेश पर वहाँ पे क्या होगा, छात्रों के अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक अच्छा डिसीजन मुझे ये लगा कि DM की निगरानी में सभी एग्जाम होंगे, और DM और जो केंद्र प्रभारी होंगे उसको भी DM के द्वारा कुछ शक्तियाँ दी जाएंगी, जिसके आधार पर वो वहाँ पर प्रशासनिक ढांचे को अच्छे से देखेगा, उसके हिसाब से वहाँ पर जो भी अपने स्तर पर वो क्या करेगा, अच्छे से सुचिता को यहाँ पर कायम रखने के लिए पेपर की, बहुत मेहनत के लिए, और उनको अधिकार भी दिए जाएंगे एक एज ए प्रशासनिक ऑफिसर, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, और जो संदिग्ध लोग होते हैं और जो ये माफिया टाइप के लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंध करने में असफल रहेंगे। इसके अलावा देखिए, STF को भी ये दायित्व तो दिया गया है कि राज्य में परीक्षाओं से पूर्व होने वाली आशंकाओं पर नज़र बना के रखे, यानी कि STF जो है आपके आसपास के परिवेश में
जो भी घटनाएं चल रही होंगी उस पर भी नज़र बना के रखेगी, जिससे ये पता चल सकता है कि अगर कहीं पर पेपर लीक की बातें आ रही हैं, पेपर खरीद फरोख्त की बातें आ रही हैं, तो उन पर जल्दी से पकड़ बनाई जा सके, ऐसे माफियाओं को पहले से ही वहाँ पर कैप्चर किया जा सके, ताकि रिजॉर्ट वाली घटनाएं, पेपर पहले से लीक कराकर बच्चों को रटाने वाली घटनाएं ना हो पाएं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होंगी। और लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा, फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम होगा, किसी भी आशंका से बचे रहें। काफ़ी लोग बोले थे लोक सेवा आयोग तो UK SSSC से भी भ्रष्ट है, 12 क्वेश्चन इन्होंने लोअर पीसीएस में डिलीट किए। हाँ, मैं मानता हूँ 12 क्वेश्चन लोअर पीसीएस में डिलीट हुए, 2-3 क्वेश्चन अपर पीसीएस में डिलीट हुए, मेरिट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला वहाँ पे। उसके अलावा देखिए, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि UKPSC से पुराने जो 25 एक्सपर्ट थे उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। जैसे ही 12 क्वेश्चन डिलीट वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद नए जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में है आयोग में, उन्होंने आते ही 25 पुराने एक्सपर्ट्स को यहाँ से अलविदा करवा दिया। ठीक है, तो अब नए एक्सपर्ट आ चुके हैं, इसके हिसाब से काफ़ी कम क्वेश्चन डिलीट होंगे। बाकी देखिए रणनीति क्या होगी इस पर मैं आपको बता दूं, जो पेपर होगा पैटर्न और सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहें। काफ़ी लोगों के मन में सवाल था क्या सिलेबस या पैटर्न इसका चेंज होगा, तो मैं बता दूं सिलेबस पैटर्न इसका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा देखिए आपका एग्ज़ाम का जो थोड़ा एक्सटेंडेड है वो कह सकते हैं कि UKPSC तो आपका आकाश पाताल की चीज़ें भी पूछता था, ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछता था जो रिलेट नहीं करते थे सिलेबस और पैटर्न को, बट यहाँ पर लोक सेवा आयोग आपका एक स्टैंडर्ड पेपर बनाएगा जिसमें हिंदी आपके चैप्टर टू चैप्टर पूछी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड GK जो होगा आपका बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। नॉर्मली आपका परीक्षा मांगी राजेंद्र बलोदी जी, अजय रावत जी की बुक्स हैं, इतने से ही आपका काम हो जाना है। इसके अलावा GS में थोड़ा कॉम्पिटिशन हेल्दी रहेगा, GS में आपका जो पारंपरिक NCERT के क्वेश्चन है वो तो आयोग पूछेगा ही, साथ में आपका करंट अफेयर का वेटेज इसमें बढ़ा दिया जाएगा। ये आप मान के चलिए उत्तराखंड के 40 क्वेश्चनों में भी हो सकता है आपको 5-7 नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन उत्तराखंड के संदर्भ में मिले हैं, जैसे कि कोई नेशनल पार्क में कोई घटना हुई है, इसके अलावा उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिला है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद आदि से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आई हैं, कोई नया प्लान आया है उस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर कंटिन्यू चल रहे हैं, जुलाई माह तक के करंट अफेयर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं अभी तक, और उसकी PDF फ्री में आपको एप्लीकेशन के स्टोर पे दी गई है। एप्लीकेशन में आप जाएंगे ना हमारे, तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर दिखेगा आपको, उसमें आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के सभी करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं। अभी अगस्त का करंट अफेयर आपको 1 या 2 दिन में दे दिया जाएगा, और उसकी भी फ्री PDF आपको एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप कीजिएगा। बाकी क्लासेस का रहा, काफ़ी लोग बोले थे क्लासेस, तो क्लासेस आपके नियमित देखिए दोस्तों 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद शुरू होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, अपने काम भी होते हैं, अपना जो प्रोफेशनल काम है वो भी देखना है, और चीज़ें भी होती हैं, इस वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही है। तो आपके अक्टूबर से मान के चलो आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक मिक्स क्रैश कोर्स दिया जाए यूट्यूब पर, जिसमें हिंदी उत्तराखंड GS और GS करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम चर्चा करें। बाकी कुछ लोगों का कहना था कि प्रैक्टिस सेट अभी तक लॉन्च नहीं हुए, तो उन लोगों को मैं बता दूं, देखिए प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फुल लेंथ 50 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, वहाँ पर अभी 37 पेपर अपलोड किए गए हैं, और ये बिल्कुल आपका UKPSC का जो स्टैंडर्ड और जो लेवल रहेगा उसी पर बने हुए हैं। यानी कि जिन लोगों का एग्ज़ाम पटवारी लेखपाल का है, जिन लोगों का एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का है, वो लोग भी इन पेपरों को ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो हमारा मेन पेपर आते हैं, मेन पेपर वाली जो टेस्ट सीरीज आएगी फुल लेंथ, वो भी जल्दी ही लॉन्च होगी, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा फेरबदल करना आवश्यक होगा, क्योंकि वो पेपर जो बनेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बनाएगा। तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग का मैं फिर बोल रहा हूँ, UK SSSC 2015 से पेपर करा था, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका था, उसके पास इतने क्वेश्चन थे, इतने किताबों से उसने फैक्टों को निकाल के रखा हुआ था कि अलग अलग पेपर में अलग अलग उत्तराखंड हिस्ट्री का, कल्चर का, उत्तराखंड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलता था। लेकिन इनका एक निश्चित सिलेबस रहता है, आपने देखा होगा जितने भी पूर्व पेपर देखेंगे आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम के, तो वो पेपर आप ज़रूर देखना। अभी तक उत्तराखंड के जो प्री एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि पहली बार ये भी ग्रुप सी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वैसे तो इनके पास ग्रुप सी एग्ज़ाम रहते हैं, जो नायब तहसीलदार और अन्य पोस्ट आते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह, वो ग्रुप सी में आते हैं, बट उसका पैटर्न अलग होता है, उसमें प्री होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। पहली बार कोई वन डे एग्ज़ाम करवा रहा है आयोग इस तरीके का, और इसमें जो सिलेबस है उसको, जो पुराना सिलेबस है हिंदी उत्तराखंड GS और GS का रखना है, तो उसके हिसाब से पेपर जो ये सेट करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है, हालांकि ये मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये अनुमान गलत भी हो सकता है UK SSSC की तरह ये स्टैंडर्ड सेट करे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा परीक्षा मांगने लूसेंट सामान्य ज्ञान
और उसके साथ साथ लूसेंट सामान्य हिंदी को तो आप अच्छे से अवलोकन कर लें उसका। और UKPSC के जितने भी प्री एग्जाम हुए हैं उसमें जो GS पूछी गई है ना उसको आप जरूर देखें, उससे आपको फायदा मिलेगा। साइंस के क्वेश्चनों को आप इग्नोर करें क्योंकि साइंस के क्वेश्चन शायद ही इसमें पूछे जाएंगे। अभी जो इनकी ऑफिशियल अधिसूचना जारी होगी कल या परसों में उसमें भी ये दिया हुआ होगा कि सिलेबस क्या रहेगा। और दूसरा जो इनका नए फॉर्म का लिंक खुलेगा जब फॉर्म, क्योंकि विज्ञप्तियां भी तो दोबारा भरी जाएंगी ऐसा बोला गया है ना, तो फॉर्म भरने का जब लिंक खुलता है तो फॉर्म में पूरा आपको बता दिया जाता है सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये प्रैक्टिस पेपर के लिए जो लोग बोले थे आप लोग एप्लीकेशन के स्टोर पर विजिट करें, वहाँ पर एक पेपर आप लगाएं। ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस के लिए ये काम आएंगे, ये आपके ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और उत्तराखंड पुलिस वाले तो ले ही लें इसको, अभी 37 पेपर आई थिंक 36 या 37 तक हो गए हैं अपलोड, और आने वाले एक दो हफ्ते में बाकी बचे हुए पेपर भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग केवल उत्तराखंड GK की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, यानी कि कुछ लोग कोर्स नहीं ले पाते, उत्तराखंड GK का जो फुल कोर्स है हमारा 2000 रुपये का है, हालांकि कोर्स बहुत बेनिफिशियल है और एक बार अगर वो कोर्स आप लेते तो आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए उत्तराखंड GK टेस्ट सीरीज निकाल दी हमने, एक या दो दिन में लॉन्च हो जाएगी ये। इसमें हमने क्या किया है कि उत्तराखंड के जितने भी बुक्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि डॉक्टर अजय सिंह रावत जी, घनश्याम जोशी जी की जो बुक आती है, राजेंद्र बलोदी जी, बिनसर ईयर बुक और परीक्षा वाणी, और एक दो बुक्स और हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास, महात्मा गांधी जी की कुमाऊं यात्रा, इस तरीके की बहुत सी बुक्स का हमने क्या किया वहाँ से फैक्ट निकाल के आपके लिए चैप्टर वाइज, यानी कि जो हमारे उत्तराखंड के चैप्टर है ना, जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, उत्तराखंड के समाचार पत्र, उत्तराखंड में डाक टिकट, ऐसे हमने उत्तराखंड को पूरा यहाँ पर MCQs के माध्यम से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है अध्यायवार। जैसे आप देखते होंगे परीक्षा वांगे में भी हर लेसन के पीछे एक टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन उसमें परीक्षा वांगे के ही फैक्ट आपको मिलते हैं, बट ये वाली टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, इतने किताबों के अलावा और भी बहुत सी बुक्स है जहाँ के फैक्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो परीक्षा वाले की टेस्ट सीरीज है बात की, वो तो इसमें फ्री हमने ऐड की हुई है, ठीक है, उसमें परीक्षा वाले के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हैं उत्तराखंड के लिए, जो लोग जिनको लगता है कि उत्तराखंड में उनकी पकड़ थोड़ा कमजोर है तो वो लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी एक वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों जल्दी, जैसे ही आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो इस पर एक वीडियो रहेगी कि किस तरीके से अब आपको तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे आपने कौन कौन सी बुक्स का रिवीजन करना चाहिए और कैसे स्मार्ट तरीके से आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ये सभी बातों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी रोज मंडे टू सैटरडे वाली, वो भी आपको मैंने बोल दिया है, लगभग 1 तारीख से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 अक्टूबर से सभी चीज़ें नियमित हो जाएंगी और हम टेस्ट सीरीज फिर से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज थी वो, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा देखिए एक फायदा ये रहता है कि हर क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम देते हैं तो क्वेश्चन से आपको बहुत चीज़ें याद भी रह जाती हैं, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही एक करंट अफेयर का सेशन भी मैं सोच रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल का लाया जाए, पिछले जनवरी 2022 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर भी डिस्कस किए जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड पुलिस वाले और जो अन्य ग्रुप से एग्जाम वाले, तब तक आप लोग ये 50 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ना सोचे कि बहुत हल्के हैं ये पेपर भी हमने मॉडरेट लेवल के बनाए हुए हैं, ठीक है, और टफ लेवल के पेपर तो अभी हम बना नहीं सकते जब तक सिलेबस और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं करेगा UKPSC। अगर मैंने ज़्यादा ही कठिन पेपर बना दिया UK SSS के तर्ज पर, पेपर ईजी आया तो वो भी सही नहीं होगा। तो आप लोगों के हित में ही मैंने यहाँ पर नया प्रैक्टिस सेट देखने पड़ेंगे अब, जो कि हमारे 100 प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज आने वाली थी उसमें, ठीक है। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा नंबर है 9760040434, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपके जो भी सवाल हैं टेस्ट सीरीज से संबंधित या किसी भी अपने करियर से, सर्टिफिकेट से, कोई भी क्वेश्चन आपका हो ज़रूर पूछिएगा। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, आज की न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाएगी, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में एंगेज हो जाएं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर जो आएगा वो पक्का दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। पुलिस वाले तो सतर्क हो जाएं क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है अब, ओके, मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।